मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश चव्हाण ने कहा है कि लोकसभा के चुनावों के परिणामों से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। वर्तमान बीजेपी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वैशाखियों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी द्वारा किए गए जाने वाले ऑपरेशन लोटस को जनता ने समाप्त कर दिया है। साथ ही ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का मॉडल समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर वर्चस्व की जंग के आड़े जयराम को अपनी कुर्सी पर मंडराता खतरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राज्य अध्यक्ष अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और जबकि अनुराग ठाकुर अब दिल्ली की राजनीति से फ्री होकर यहाँ आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी, महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अनुसार पिछले 2 माह का पैसा प्रदान किया जाएगा। 4 तारीख चली गई, आज 13 तारीख हो गई, सरकार और मजबूत हो गई, वही हर्ष होने वाला। जिन लोगों के साथ मिलकर साजिश की थी जयराम जी ने, उन 6 लोगों में से 4 लोगों को लोगों ने हरा के दिखा दिया। वो दोबारा जो है विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच पाए। हमने बार बार कहा है हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। जनता ने लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुन के भेजा है, आप उनको काम करने दें। जयराम जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या डेस्परेशन है आपको, आप क्यों सरकार गिराना चाहते हैं जो लोगों ने चुनी है, आपको दिक्कत क्या है? क्या आप लोकतंत्र का सम्मान ये करते हैं, या आपको अपनी कुर्सी का खतरा है? जो विपक्ष की नेता की कुर्सी है उसको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है बार बार। 4 तारीख को सरकार नहीं रहेगी, 4 तारीख चली गई, आज 13 तारीख हो गई, सरकार और मजबूत हो गई। वो इसलिए मजबूत हुई कि हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उनकी सेवा करें, ये लोगों का इच्छा है। जयराम जी किस आंकड़े से गिराते हैं, कौन सा अर्थमेटिक है ये हमको भी समझाएं। नंबर गेम से विधानसभा चलती है, सरकारें चलती है। आप 25 वाले 27 हुए, हमारे पास आज 38 लोग हैं, और अगले 3 चुनाव में आपके सामने हैं। प्रदेश की जनता का द्वारा आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में